हेलो, दिस इज बिंदेश्वरी वारे। सो आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर। सो अब हम देखते हैं कि सॉइल मॉइस्चर मेजर करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सो इसमें फर्स्ट होता है डायरेक्ट मेथड्स एंड सेकंड होता है इनडायरेक्ट मेथड्स। फर्स्ट में जो डायरेक्ट मेथड्स होता है उसके अंतर्गत ग्रेविमेट्रिक मेथड्स, इंफ्रारेड मॉइस्चर मेथड्स, वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स का यूज़ करते हैं। एंड इनडायरेक्ट मेथड्स में By taking soil in our hands and checking its moisture, and second होता है न्यूट्रॉन्स स्केटरिंग मेथड्स, एंड थर्ड टेंसियोमीटर्स की हेल्प से, एंड फोर्थ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या जिप्सम ब्लॉक मेथड से, एंड फिफ्थ होता है प्रेशर मेब्रेन एपरेटर्स मेथड्स की हेल्प से सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट किया जाता है। हम देखते हैं कि सॉइल मॉइस्चर इस्टीमेशन करने के डायरेक्ट मेथड्स के अंतर्गत ग्रेविमेट्रिक मेथड्स में क्या करते हैं। इसके अंतर्गत एक सिलिका डिस्क में ज्ञात भार की सॉइल लेकर डिस्क को सॉइल सहित ओवन में 105 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सॉइल वेट स्थिर होते तक गर्म करते हैं। डिस्क को सॉइल सहित वेट कर लेते हैं और मॉइस्चर की परसेंटेज जो नीचे दिए गए फॉर्मूला से ज्ञात कर लेते हैं। इस मेथड्स में सॉइल वाटर इस्टीमेशन करने में अधिक टाइम लगता है और कार्य भी अधिक करना पड़ता है। अब हम सेकेंड मेथड्स को देखते हैं जो कि वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स हैं। एक ज्ञात आयतन जिसको VS मानते हैं वाले ट्यूब अगर या कोर सैंपल की हेल्प से सॉइल सैंपल लेते हैं। सॉइल सैंपल को एक एल्यूमिनियम में मॉइस्चर कैन जिसको WS1 मानते हैं में तौल लेते हैं। इसे ओवन में 105 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वेट स्थित होते तक हीट करते हैं और डेसिकेटर में ठंडा कर लेते हैं और इसको तौल लेते हैं। इसको WS2 मान लेते हैं। वाटर की मात्रा जो दिए गए फॉर्मूला में जो है पुट करके हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंफ्रारेड मॉइस्चर बैलेंस मेथड्स में क्या होता है। सूखने के लिए इंफ्रारेड लैम्प का यूज़ किया जाता है। एक या अनेकों सैंपल का परीक्षण इसके द्वारा हो सकता है। इसमें सभी प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ में ये यूज़ कर सकते हैं हम इसको। कि सॉइल मॉइस्चर इस्टीमेशन करने के इन डायरेक्ट मेथड्स के अंतर्गत कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं। पहला जो होता है बाय टेकिंग सॉइल इन आवर हैंड्स एंड चेकिंग इट्स मॉइस्चर। इसके अंतर्गत हम सॉइल को देखकर या छूकर उसकी नमी की उपस्थिति का आकलन करते हैं। एंड इसमें सेकेंड मेथड्स है न्यूट्रॉन स्केटरिंग मेथड्स। इसके अंतर्गत हम इस मेथड्स का जो प्रिंसिपल होता है वह यह है कि वाटर तेज गति से चलने वाली न्यूट्रॉन को तो सोख लेता है किंतु मंद गति से चलने वाली को वापस डिटेक्ट के करके वापस भेज देता है। इसमें न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर में एक प्रोब होता है। उपकरण को यूज़ करते टाइम प्रोब को एक प्लास्टिक लाइन SS ट्यूब में लोरेट किया जाता है। इसमें जो सॉइल में इकाई आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की संख्या का मापन करते हैं। इसके अंतर्गत खेत में ही यह नमी का आकलन किया जाता है। इसमें जो है फास्ट रिजल्ट देता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर में एक पोरोस क्ले कप होता है जो कि वाटर से भरा रहता है। यह कप एक मैनोमीटर से जुड़ा रहता है। जब टेंशियोमीटर को सॉइल में स्थापित किया जाता है तो सॉइल के सूखने पर वाटर कप से बाहर गुजरने लगता है और एक निर्वात पैदा हो जाता है जो कि गेज की हेल्प से मेजर कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त टेंशन रीडिंग और मॉइस्चर परसेंट के बीच में एक ग्राफ बना लेते हैं। इसकी हेल्प से अदर किसी सॉइल सैंपल से वाटर परसेंट ज्ञात कर सकते हैं। टेंशियोमीटर से केवल सॉइल मॉइस्चर टेंशन और सॉइल मॉइस्चर प्रतिबल ही खेत में मालूम कर सकते हैं। सॉइल मॉइस्चर
टेंसियोमीटर सैंडी सॉइल में सफलतापूर्वक यूज़ किया जा सकता है क्योंकि प्राप्य वाटर का 80% भाग 0 माइनस 0.85 एटमॉस्फेरिक क्लास के बीच में होता है। टेंसियोमीटर जो होता है दो प्रकार का होता है, मर्क्यूरिक मैनोमीटर वाला। ये जो टेंसियोमीटर होता है इसका यूज़ अनुसंधान कार्यों में ज़्यादातर किया जाता है। एंड सेकेंड जो होता है वो वैक्यूम गेज टेंसियोमीटर, इसका जो यूज़ होता है वो सामान्य व्यवहार में किया जाता है। टेंसियोमीटर क्ले सॉइल एंड सिल्ट सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है, उसके लिए यूज़ नहीं किया जाता। ये जो है सैंडी सॉइल के लिए सुटेबल होता है। टेंसियोमीटर में